Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer, buy one get one service free. Rush! Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सम्राट नगर में कल हुई तेज बारिश के दौरान नाले के बगल की जमीन धंस गई है, जिसकी वजह से गाजी महल, संजरी टावर, सिरीन प्लाजा जैसे इमारतों को एहतियात के तौर पर मनपा ने खाली करा दिया था। ये तस्वीरें तेज बारिश के वक्त की है, जब बारिश का पानी पहाड़ से नाले के बाहर बह रहा था और इसी दौरान ज़मीन भी धंस गई थी। दरअसल नाले की दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। चूहों ने अंदर ही अंदर इस नाले की ज़मीन को खोखला कर दिया है। कल जब नाले की ज़मीन धंसी, उसके बाद मनपा अधिकारी और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट, नगर सेविका सुनीता ताई सातपुते, इन सभी लोगों ने यहाँ पहुँच कर जायज़ा लिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनीता ताई सातपुते ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नाले की जो ज़मीन धंसी है, तो इसमें क्या मामला, आप लोगों ने इसके पहले भी कंप्लेन वगैरह किए थे? अभी जो तेज़ बारिश दो दिन से हो रही है, तो उसकी वजह से नाले का फिर से कुछ एक जो रास्ता है वो धंस गया है। बड़ा सा ऐसा एक खड्डा हो गया उधर, और वहाँ से अंदर पानी जा रहा है। बाजू में संजरी, गाजी, ऐसे दो तीन बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो अंदर का जो बेस है, वो जो वहाँ तक पानी जा रहा है। वो तो डर ये है कि कहीं बिल्डिंग को कुछ हो गया, तो इतने सारे जो लोग 6-7 माले की बिल्डिंग है, तो पब्लिक को अगर जीवितहानी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए कल महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी मनीष जोशी साहब आए थे, गुरपल्ले साहब आए थे, सलुंके साहब आए थे, और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम थी। हम लोगों ने उनको फ़ोन किया था कि इतना बारिश हो रहा है, पानी नाले के अंदर से आ रहा है, लेकिन दोनों बाजू से जोर से फोर्स में पानी आ रहा था, और वो पानी की वजह से लोग डर रहे थे। लोगों के घर के बिल्डिंग के सबके पानी वो निकल रहा था, कि कोई बाहर नहीं निकल सकता था, और पूरा डरा हुआ माहौल भी पूरा ये था। तो उसमें हम लोग जब अधिकारियों को बुलाया, तो उसमें नाले का भी क्या हो रहा है, एक एक टुकड़ा गिर रहा है पूरे। तो ये देखो, जब हम लोग 2017 दीवार जो है, दीवार जो गिर रही है कहीं ना कहीं बीच में, 2017 से हम लोग ने जब चुनाव हम जीत के आए, हमारा पूरा पैनल, तो जैसे 2018 का बारिश है, उसमें जो स्वस्तिक बिल्डिंग है नाले को लग के, उसका एक हिस्सा गिर गया, बड़ा सा हिस्सा टुकड़ा गिर गया था। उसमें स्वस्तिक बिल्डिंग इतनी नज़दीक है नाले के बाजू में, कि पूरा वैसे हो गया था कि पूरा पानी बिल्डिंग की जो बेस है वहाँ पानी जा रहा था। तो बिल्डिंग के पूरे उस टाइम में हम लोगों ने वो बिल्डिंग खाली की थी, और लोग डर गए थे। तो उस वक्त मैंने मांग की थी कि नाले के लिए हमको निधि चाहिए। नहीं, अधिकार ने वही ना, मैं वही बता रही हूँ कि जो काम ने उस काम किया था, तब से हम लोग मांग कर रहे कि कहीं ना कहीं टुकड़े गिर रहे, तो हमको निधि दे दो नाले का। आपको निधि नहीं मिल रही है इस नाले का काम करने, जबकि 2019 में जो आपातकालीन में जो काम था, एक नंबर का काम ये नाले का था लिस्ट में, पूरे थाने शहर में एक नंबर अपने मुमरा के सम्राट नगर ठाकुरबा के नाले का काम था, जो आपातकाल में होना चाहिए, हम लोगों ने मांग की थी। लेकिन ऐसे होते हुए भी वो काम अपना पीछे किया गया, और दूसरे काम आगे किए गए, और वो आपातकालीन का काम पीछे रह गया, जो अभी तक वैसे ही बाकी। तो उस टाइम अगर वो काम ध्यान में अगर अधिकारी प्रशासन लेता था और उसको निधि देते थे, तो ये आज ये दिन नहीं आता था ना, या ऐसी हालत नहीं होती थी नाले की। तो ऐसे में हर साल मैं अब लेटर दे रही हूँ, मांगनी कर रही हूँ, वो नाले का पूरा हम लोग ने प्रस्ताव बना के दिया है कि आप ये रिपेयरिंग के लिए हमको निधि दे दो, लेकिन प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है मुमरा में।